होते, तुम्हें चाहिए होते 40, 50, 60, 70, तो भी नहीं होगा तुमसे, है भाई। और जिस लेवल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे तो बहुत छोटा लेवल का आएगा तुम्हारा जेई मेन। तो तुमने वो सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं, उसमें से भी तुमको गिने चुने क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए भी तुम होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क में हम आसान क्वेश्चन देते हैं। किसी ने, दो बच्चों के अलावा किसी ने, दो या मेरे पास तो दो के ही मैसेज आए थे, दो या तीन के, उसके अलावा किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं सर होमवर्क नहीं है आपकी पीडीएफ में। एक दीपिका का मैसेज आया था और एक और बच्चे का आया था बस। कैसे चलेगा तुम्हारा काम ये बताओ मुझे। चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ रिप्लाई नहीं देता, सब ऐसे चुपचाप बैठे हो। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। अब जब तुम्हें बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं होंगे मान लो, तो आज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट करने का क्या फायदा होगा? जब अगर बेसिक वाले क्वेश्चन मान लो तुम भूल गए होगे, होमवर्क नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, और बेसिक वाली चीजें याद नहीं होंगी, तो आज तो उससे थोड़ा सा आगे करना था हमने। चलो, होमवर्क अटैच नहीं था, लेकिन एक चीज होमवर्क मैंने मुंह से तो बोला ही था क्लास में। क्या बोला था करने के आने के लिए? मोशन मैम क्या आए हो रिवाइज वो करके आए हो? होमवर्क तो दूर की बात, इमोशनल ईएमएफ रिवाइज करके आया? कौन रिवाइज करके आया इमोशनल ईएमएफ? हैंड रेस करना। बस दो बच्चे। कैसे करोगे तुम फिर? और फिर तुम बोलोगे कि हमें फिजिक्स में लास्ट मोमेंट में, कि हमें फिजिक्स में दिक्कत आती है, हमें मैथ्स में दिक्कत आती है, हमें केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। फिर किसकी गलती होगी वो, जब तुम होमवर्क ही टाइम पे ही नहीं कर रहे? चलते रहेगा सिलेबस, चलता रहेगा। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, 90% खत्म हो जाएगा वो, उसके दो तीन क्वेश्चंस और बचेंगे बस। और फिर अल्टरनेटिंग करंट भी खत्म हो जाएगा, और अल्टरनेटिंग करंट के बाद हम एक बार वर्क पावर एनर्जी यानी 11th का थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। फिर 12th पे वापस आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि रिवीजन हो जाएगा, बट रिवीजन तभी होगा जब होमवर्क करोगे। अभी भी कई लोगों को लग रहा है सर 2-3 मिनट और फालतू ले गए हो सर, फटाफट स्टार्ट कर लो, है ना? कई बच्चे तो यही सोच रहे हैं कब स्टार्ट होगा हमारा काम। कैसे चलेगा भाई तुम्हारा? मैं आके बोल बोल के चला ही जाऊं, बस यही करता रहे, यही करते रहे। अरे चलिए करिए स्टार्ट। आओ फिर आज नया काम कर रहे हैं हमने थोड़ा सा। इमोशनल ईएमएफ क्या होता है भाई? इमोशनल ईएमएफ हमने दो केस पढ़े थे। एक, जब बार मैग्नेट को हम किसी या किसी भी रोड को हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसकी वैल्यू कितनी थी अगर वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है तो रोड? कोई बता सकता है? सर वो तो नहीं था हाफ बी एल ओमेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। ओमेगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक रोड मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, वी वेलोसिटी से, और वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। ये रोड है, ये मूव कर रही है इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो बताओ वी वेलोसिटी, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा सर, करंट कैरिंग रोड, उसका ईएमएफ कितना होता है? बी एल BLV वी। बट याद रखना यहाँ पर वेलोसिटी वेरी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये स्पेशल केस है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला हम अभी आगे पढ़ेंगे।
बट ये दो मेन है जिनके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी होता है v क्रॉस b डॉट l, ये होता है इसका फॉर्मूला, बट हम अभी पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये सब तो हम कर चुके हैं पहले, हाँ या नहीं? यस सर। पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले। आप ये क्वेश्चन करो, एक मेटल की रोड है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा गया है? नॉर्मल, नॉर्मली। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.4 टेस्ला, यानी वही एल परपेंडिकुलर टू बी है, तो स्पेशल केस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर व्हेन मूव्स विद अ वेलोसिटी, वी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, अगर उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो 0.08। और ये 2023 में पूछा गया है सवाल, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, बताओ क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा। और आंसर बताओ इसका फटाफट। ऑप्शन बी आएगा सर। ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी। यस, सिंपल सी, बी की जगह लिखोगे 0.4, एल की जगह क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, और वी की जगह क्या लिख दोगे? 0.08 यानी 8/100। तो देख लो यहाँ पर, दिख रहा है सबको? यस सर। आया ना? अब आंसर देखो इसका क्या लिखा हुआ है। 2 मीटर पर सेकंड। तुम बोल रहे हो ऑप्शन सी, अब बताओ क्या दिक्कत है? बी बोला सर। ठीक है, अगर बी बोला है तो ठीक है। अच्छा फिर अब लिखे हुए में चीज में कुछ गलती ढूंढो सर। आपने ना बी की जगह 8/100, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? बी, और यहाँ पर क्या आएगा? 0.08। लेंथ की जगह ठीक है, वी की जगह क्या आएगा? 0.4 आएगा। समझ आ रही है बात सबको? यस सर। ऑप्शन बी बोला है उसका सही है, जिसका वैसे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो यहाँ पर देख लेना, ई की जगह ये है, बी क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, लेंथ हमने निकालनी है 10/100, लेंथ हमें गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से चला जाएगा 4/10 हो जाएगा 4/100, यहाँ आ जाएगा 8/100, और यहाँ पर आ जाएगा 4/100 इंटू वी। 100 से 100 गया, 4 2 8, तो 2 कितना आ जाएगा? क्लियर है सबको? सिंपल फॉर्मूला था और कब पूछा गया है? 2023 में, 2023 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट ही है। अब इससे सिंपलेस्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या इसके अंदर, बताओ आप खुद? तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, उसमें भी आपका काम खत्म हो जाएगा, आपने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन छेड़ने ही नहीं है, पर वो तभी हो पाएंगे ना आसान क्वेश्चन भी, जब आसान क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। चलो ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया था, करके देखो ट्राई। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट क्या दौड़ रहा है सर? आई। उसका वन साइड ओपन है रेक्टेंगुलर लूप की तरह, ये देखो ये रहा, इसकी एक साइड क्या है? ओपन है, एंड कंडक्टर सी, ये सी कंडक्टर है सर, इसके साथ एक कनेक्टर जुड़ा हुआ है। कनेक्टर मतलब क्या है सर? ये दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, इसकी लेंथ है एल। इस कनेक्टर को आप मूव कर सकते हो, मतलब यहां से वो आगे भी जा सकता है, यहां से वो पीछे भी, ये कनेक्टर यहां से उठ के यहां भी जा सकता है, दिख रहा है? ऐसे चला जाएगा तो मूव हो गया। तो यहाँ पर क्या है सर? ये मूव कर पा रहा है, इसके साथ क्या अटैच्ड है? इस कनेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है। क्या अटैच है? एक रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आती है सबको? इस कनेक्टर के साथ क्या अटैच है? एक रेजिस्टेंस अटैच। अब ध्यान से सुनना, ये मूव कर रहा है कौन सी साइड? राइट। वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर, वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ एंड द सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो क्या है? नेगलिजिबल। कंडक्टर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो नेगलिजिबल है, कंडक्टर ये नहीं है, कंडक्टर ये रहा, ये सी जिससे लिखा, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस छोड़ दो और सेल्फ इंडक्टेंस भी छोड़ दो। तुम्हें पता है कि अगर ये मूव कर रहा है रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर एक क्या इंड्यूस होगा सर? ईएमएफ। क्यों होगा पहले तो ये बताओ भाई, ये कि ये वायर है, इसके अंदर करंट है आई, इसके साथ एक हमारे पास कनेक्ट कंडक्टर है, उस कंडक्टर ये जो लूप सा है
इसके साथ एक क्या बना हुआ है सर, अभी तो ये ओपन लूप है, दिख रहा है सबको कहीं से बंद है ये? जैसे ही मैं कनेक्टर लगाऊंगा ये लूप क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, अब ये कनेक्टर को मूव करने से ये पूरा लूप बन गया क्लोज। इस लूप में करंट कैसे फ्लो होगा बताओ, क्यों होगा पहले तो ये बताओ। क्योंकि सर एरिया इसका चेंज हो रहा है जब एरिया तो मूव करते चेंज तो होना चाहिए, लेकिन वो एरिया किसके अंदर चेंज होना चाहिए, इन द मैग्नेटिक फील्ड। हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, एरिया तो चेंज होगा ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो इसके अंदर का एरिया चेंज होगा, लेकिन वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया आ रहा है वो चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया इसके पास, कोई बता सकता है? और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, पीछे रिकॉर्डिंग में भी जाके देख लेना चाहिए। क्या लग रहा है, देखो यही था, बेसिक चीज थी, बहुत बेसिक चीज, अगर रिवाइज किया होता तो पता चलता, पिछले क्वेश्चंस भी किए होते तो भी याद रहता। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया इसके पास, करंट करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है सर, करंट है तो उसकी वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। और ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर कहाँ होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, देखो पी पर उंगलियां अंदर जा रही है या बाहर, देखो अंदर अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है सर, ये अंदर की तरफ बनता जाएगा बनता जाएगा। अब अगर मैं इस वी वेलोसिटी से इस कंडक्टर को मूव करता हूँ, पहले यहाँ था सपोज कर लो, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ गया या नहीं, देखो पहले ग्रीन वाला एरिया था, ब्लू वाला आ गया, तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया यानी चेंज हो गया, तो कौन इंड्यूस होगा सर, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा सर। और ईएमएफ का फॉर्मूला अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होता है, वी, हाँ या ना, यस बोलो। अब लेकिन यहाँ पर तो आई की फॉर्म में है, वी की फॉर्म में आंसर, अब बी की जगह क्या लिख सकते हो, ये बी कहाँ से आया सर, करंट कैरिंग नो वायर, इनफाइनाइट यस वायर सर है, इसकी वजह से क्या होता है फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन आई म्यू नॉट आई ओ अपॉन 1 2 5 आर। आर क्या है सर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अभी ये डिस्टेंस आर है तो आर लिख दिया मैंने, अच्छा इनटू में एल क्या है सर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, वो एल ही दे रखी है, यस सर वेलोसिटी को वेलोसिटी ही लिख दिया। अब इसको रीअरेंज कर दो, लेकिन मेरे को ये तो नहीं निकालना, मेरे को तो इंड्यूस करंट निकालना है, मेरे पास ईएमएफ है, तो ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दूं कि करंट आ जाए, आर से, आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ऊपर वाली इक्वेशन को आर से क्या कर दो बस डिवाइड, तो म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई, आर तो है ही साथ में एक रेजिस्टेंस का आर और आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है तुम्हें, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है क्या फोर्थ ऑप्शन, म्यू नॉट चेक यस करो, दिख रहा है यही आंसर है क्या, सर क्या था इस क्वेश्चन में, अब खुद देखो, एक ही फॉर्मूला था वही यूज हुआ है सर, देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो अच्छे से देखो। किसी को कोई डाउट है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर मूव तो सर नहीं, रोटेट तो नहीं हो रहा ना, इसलिए ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा, कौन सा यूज हो रहा है, बी एल वी, और बी एल वी हमेशा यूज नहीं होगा, मैं बताऊंगा कब नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, यस चल सर सकते हैं आगे, चलो यस सर हाँ। अब ये क्वेश्चन है, जैसे पहले तो यही कर लो, अब ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम, ये 2013 में आया हुआ है लेकिन 2020 वाले से भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो इसको, मेटेलिक रोड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है एल, ये जो रोड है ये दिख रही है इसकी, क्या कह रहे हो,
कोई कुछ कह रहा है? नो सर। सर की लेंथ है एल, इसके साथ एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 2L. तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 3L. 3L. ये रोटेट करता है, ये रोड जो है वो रोटेट कर रही है सर, कितनी स्पीड से? एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा. हॉरिजॉन्टल टेबल से, जिसका एक एंड फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है. अगर एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? वर्टिकल. ईएमएफ बतानी है आपको, ईएमएफ इस रोड के एंड पे. रोड के एंड पे मतलब समझते हो, ये है एक रोड का एंड, ये है और एक ये है, समझ में आ रहे हैं? इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू. तो ईएमएफ बतानी है, यानी वोल्टेज बतानी है किसके अक्रॉस? पी क्यू के अक्रॉस. कैसे करोगे? VPQ के क्रॉस कैसे निकालते हो? VP माइनस VQ. VQ या इसका मैग्नीट्यूड ले लो, या VQ माइनस क्या कर दो? VP. दोनों में बात क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो पहले तो VP पता होना चाहिए, EMF एट पॉइंट P और फिर एट पॉइंट Q, फिर दोनों को क्या माइनस. अब कैसे निकालोगे? P पॉइंट पर कैसे निकालोगे और E पॉइंट पर कैसे, Q पॉइंट पर कैसे निकालोगे बताओ? या मैं वही कह रहा हूँ, या VQ माइनस VP कर दो, चाहे VP माइनस VQ, तुम्हारे ऊपर. तो VP निकालो पहले. तो VP कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या लगेगा EMF का? BL स्क्वायर ओमेगा. देखो यहाँ पर दिख रहे वही L स्क्वायर ओमेगा. अगर उसको समझ नहीं आता, इसको देखो, हाफ की जगह तो हाफ लिखा तुमने, B की जगह क्या लिखोगे सर? मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता तो B ही लिख दो. L, P पॉइंट के लिए L कितनी है? देखो ध्यान से, P पॉइंट तक का लेंथ देखो, 2L. तो L की जगह क्या लिख दोगे? 2L का स्क्वायर. ओमेगा तो ओमेगा है ही, तो E एट P कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, हाफ B, बोलो पूरा, 4L स्क्वायर ओमेगा. ओमेगा तो ये कितना हो जाएगा? BL. या अगर अगर मैं तुम्हें कैलकुलेशन आसान करनी है तो इसको ना ही काटो, चाहे कितना लिख दोगे इसको? 4/2 BL2. ऐसा तुम्हें लग रहा था, या यही क्लियर लग रहा है? इतना तो लग रहा होगा सबको, आया ना? यस सर. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो इन्होंने जो जिसको हमने EP बोला, इसने इसको E2 बोल दिया. बस ये x की जगह क्या पुट किया है? 2L, और ये आ गया 4/2. दिख रहा है सबको? हाँ या ना? Yes. अब ये तो आ गया P पॉइंट पर, अब हमें निकालना कितने पे है? लेकिन Q पर भी निकालना था. Q पॉइंट पर देखो कितना लेंथ कितनी है? LL 3L. फॉर्मूला तो यही लगेगा सर, कितना? हाफ BL ओमेगा, हाफ की जगह हाफ, B की जगह L, L की जगह 3L. तो कितना आ जाएगा? हाफ बी 9L2BL2. ठीक है, अब EQ माइनस क्या कर दो? EP. ये क्या हो जाएगा? 9/2BL2 ओमेगा, और वो कितना है? 4/2 BL. कितना हो जाएगा? 5/2. क्लियर है? अगर पीपी माइनस सी क्यू करते आंसर यही रहता, मैग्नीट्यूड में तो चेंज ना आता, बस आगे क्या लग जाता? माइनस. सेम यही रहता. ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है क्या सबको? ये 2020 वाले से अच्छा क्वेश्चन था, ये रिपीट हो भी सकता है, ट्राई कर लो एक बार. अभी भी किसी को डाउट है तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने कराए, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, चाहे 2020 में आ रहे हो, चाहे 2023 में आ रहे हो, चाहे 2013 में आ रहे हो, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाने चाहिए तुमसे. देख लो हो जाएगा, एक मिनट है. यस सर. चले आगे. यस सर. चलो फिर. आज अवंतिका नहीं आई? नहीं सर. क्यों? सब मैथ्स की क्लास में भी नहीं थी. क्यों नहीं आई? मैथ्स की क्लास में दो और तीन. क्यों नहीं आई किसी को पता? नहीं सर, बताया नहीं.
और वो बच्ची भी नहीं आई, क्या नाम है उसका, शगुन। शगुन आई थी सर। कहाँ है शगुन, मेरे को तो नहीं दिख रही। और प्रीशु भी नहीं आई, शिवानी। शगुन आई है, शगुन है, शगुन है। प्रीशु भी नहीं आई और शिवानी भी नहीं आई, शिवानी भी नहीं आई। चलो यहाँ तक हो जाएगा, चले आगे। अब यस सर, इसके ऊपर अभी आते हैं, पहले इसको करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लग रहा है मुश्किल क्योंकि इसकी जो बनावट है ऐसा लग रहा है कि सर ये इनक्लाइन प्लेन है, ये कैसा सा होगा। ट्राई करके देखो एक बार। एक कॉपर रोड है सर, जिसका मास कितना है M. इसका मास है M. अंडर द ग्रेविटी ये स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी ऑन स्मूथ पैरेलल एक्सिस। ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर ये कॉपर रोड है सर, ये नीचे की तरफ जा रही है, राइट right? दिख रहा है सबको, ये रेल के साथ बंधी हुई है, ऐसे गिर नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये बंधी हुई है ऐसे, ऐसे इसके साथ अटैच्ड है, इसका सपोर्ट मिल रहा है इसको, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जा रही है सर, एम मास की है। विद सेपरेशन वन, सेपरेशन वन, अच्छा इनके बीच में जो सेपरेशन है वो एल होगा शायद, इन्होंने वन लिख दिया, एल है, ठीक है। एंड सेट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एट द बॉटम रेल्स आर जॉइंड बाय रेजिस्टेंस आर, नीचे की तरफ जो रेल है वो किससे जुड़ी हुई है, एक रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेल्स, प्लेन के नॉर्मल है उसका प्लेन, यानी एरिया वेक्टर और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है रोड के, रेल के प्लेन के साथ, रेल के प्लेन के साथ, यानी एरिया वेक्टर के साथ क्या होंगे फिर, तो ये तो ठीक है सर। अब यहां पर देखो ध्यान से, द टर्मिनल स्पीड ऑफ द कॉपर रोड, अब रोड कितनी स्पीड से नीचे टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट का मतलब रुकेगी वहां पर, उस लास्ट में जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या लगता है कैसे होगा ये क्वेश्चन। टर्मिनल स्पीड का था सबसे अच्छा एग्जांपल सुना करो, जब कोई पानी की बूंद ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, जब बारिश हो रही होती है, तो आप खुद सोचो जब पानी की बूंद बारिश में नीचे आ रही होती है तो वो तो बहुत ऊपर से आ रही होती है ना, तो इतनी ऊपर से आ रही होती है और उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, पहले सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो जाएगी 30। ऐसे तुम्हारे नीचे आते आते तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी जानी चाहिए थी, बहुत तेज है ना, बहुत डिस्टेंस, और जब हमारे मुंह पर पड़ती तो वो बहुत जोर से लगती, इतनी जोर से कि हमारे को यहाँ पर बहुत जख्म हो जाता था अच्छा खासा। बट ऐसा होता है क्या बारिश की बूंद से, ऊपर आंखें ऐसे करके लेते हैं, उल्टा आनंद लेते हैं बारिश का, है ना, ऐसा क्यों होता है भाई, स्पीड तो उसकी बहुत ज्यादा है, फिर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रही होती है उसके ऊपर जो रेजिस्टिंग फोर्स होती है वो भी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, और वो जो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे जैसे नीचे आ रही है उसके ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी क्या हो रही है, उसके ऊपर जो लग रही है रेजिस्टेंस की वजह से वो भी बढ़ रही है, बढ़ रही है। हालांकि विस्कोसिटी वगैरह वो चीजें अभी नहीं इंक्रीज कर रहे, तो जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसकी फोर्स भी बढ़ रही है, अपोजिंग फोर्स भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, जैसे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रही है जी की वैल्यू बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी जी की वैल्यू तो सेम है, वेलोसिटी नीचे वाली बढ़ रही है, ऊपर वाली फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, जब नीचे वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो ऊपर वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, नीचे आते 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 ऊपर वाली फोर्स भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाती है, बिल्कुल इक्वल हो जाती है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही है वैसे वैसे उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नीचे आ रही है उसकी फोर्स और बढ़ रही है, उसकी नीचे वेलोसिटी और बढ़ रही है, उसकी फोर्स और बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी नीचे और बढ़ रही है, उसकी अपोजिंग फोर्स और बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो नीचे एम जी लग रहा है और जो ऊपर रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है,
इक्वल हो जाती है उस टाइम पर, जब वो अब दोनों इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम होगी, तो वेलोसिटी उसकी लगभग लगभग वेलोसिटी क्या हो जाती है फिर, एक कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है वो, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है भाई? जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या हो जाए दोनों इक्वल, अब फोर्स इक्वल तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और नेट फोर्स जीरो तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, यानी एक्सेलरेशन भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी वो नीचे आती है, वो जो बूंद होती है उसी को बोलते हैं कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। उस केस में उस ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर वो नीचे आने लग जाती है, फिर वो इतना डैमेज नहीं करती जैसे तुम्हें लगता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? अभी के लिए देसी भाषा, फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ भी लेंगे इसको, कि ऊपर वाली फोर्स जो उसकी रेजिस्टिंग फोर्स है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है। क्लियर है सबको? यस सर। स्पीड हम तभी निकाल रहे हैं, टर्मिनल स्पीड का मतलब तभी होती है जब ऊपर वाली फोर्सेज और नीचे वाली फोर्सेज क्या हो जाएंगी? इस केस में बॉडी नीचे जा रही है तो इसको जो अपोज कर रही होगी फोर्स, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। तभी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलूंगा? टर्मिनल। तो अब ये बॉडी नीचे आ रही है तो पहले बताओ नीचे ग्रेविटी लेके आ तो रही है, लेकिन इस साइड कौन सी फोर्स होती है इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ? इधर। कौन बताएगा? नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन में कौन सी फोर्स होती है? एम जी साइन थीटा। और पीछे उसका कौन लग रहा होगा सर? फोर्स। स्मूथ है सर, पीछे क्या लग रहा होगा खुद सोचो। नीचे की तरफ तो एम जी साइन थीटा लग गया, और कौन सी फोर्स है जो लग रहा होगा साथ साथ इसके? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, स्मूथ फ्रिक्शन, तो वो तो स्मूथ है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है दोनों को, कौन सी फोर्स कर रखी है बता सकते हो? एम जी साइन थीटा तो मैंने लिखवा दिया, दूसरी फोर्स कौन सी है सर? वो है आई एल बी। वो क्यों सर? ये एक रोड है सर, इस रोड के पास क्या है सर? बोलो बोलो बोलो, करंट है सर, हाँ या ना? Yes, yes, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बात सुनो, अगर वो रोड जा रही है नीचे, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगेगी क्या? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल नॉर्मल है, तो ऐसा आपने पढ़ा नहीं फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, जिसको तुम क्या लिख सकते हो? आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो क्या है साइन? 90। एफ की वैल्यू क्या हो गई? आई एल। क्लियर है सबको ये बात, हाँ या ना? Yes, ये वाली फोर्स, जब ये वाली फोर्स हमारे पास, लेंथ कौन सी डायरेक्शन में मान के चल रहे हो? परपेंडिकुलर किसके, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? उस लूप के सर, उस लेंथ के। समझ में आ रही है बात? रेल के प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर है, तो एल क्रॉस बी करोगे जब तो उसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी। नीचे क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चे? आई एल बी। तभी जो वेलोसिटी होगी उस केस में क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। अपोजिंग फोर्सेस को इक्वल रखा। अब ध्यान से सुनना, एम जी साइन थीटा को जब आप आई एल बी के इक्वल रख रहे हैं, हमसे तो पूछा वेलोसिटी है। अब देखो पहले तो ये बात समझ में आई सबको, ये कैसे लिखा है हमने आई एल बी और ये? Yes, ये sir. समझ में आ गया आई एल बी एम जी साइन थीटा के इक्वल कैसे लिखा? अब बात yes. कोई कुछ पूछ रहा है? ये चीज समझ में आई है सबको जो हमने भी लिखी है और इसमें भी लिखी हुई है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. अब आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल बी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिख दिया। अब आई किसके इक्वल है? जैसे इसमें बता भी रखे, आई किसके इक्वल होता है? बिल्कुल, है ना। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? क्योंकि मूव कर रही है। अब ईएमएफ जब बॉडी मूव कर रही है, वी वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड मतलब वो कांस्टेंट स्पीड, अभी भी बताइए मैंने, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो कितना होता है? बी एल बी एल
अब अगर वो BLV है तो करंट कितना होगा सर उसमें? I is equal to E by R. तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? BLV by R. बड़े वाला लिख दे देगा उसे. क्लियर है सबको? अब यहाँ से चाहे I की वैल्यू लिख दो चाहे B की वैल्यू लिख दो, आपके पास है यहाँ पर दिखा है I की जगह क्या है? BLV by R. अब यहाँ से R. B की वैल्यू लिख दो चाहे I की वैल्यू लिख दो, आपके ऊपर है. अब B की लिखोगे तो, या I की तो I हुई है, क्या लिख दोगे? Mg sin theta is equal to B. अब देखना मैं एक चीज पूछूंगा, ध्यान से देखना. आई की जगह क्या लिख सक रहा हूँ? BLV by R. और यहाँ पर क्या है? LV. दिख रहा है सबको? तो इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? Mg sin theta is equal to B square. तो V कितने इक्वल आ जाएगा? Mg sin theta upon B square into L square. देखना कौन सा ऑप्शन है, कहाँ गया? हाँ देखो सिर्फ टर्मिनल स्पीड वाली बात तुमको याद रखनी है. वो क्या था सर? जब वो अपोजिंग फोर्स दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तभी वो स्पीड होगी. वो क्या होगी? टर्मिनल स्पीड, वेलोसिटी. क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था. अब तो नहीं आया था ऐसा क्वेश्चन, 2018 में आया था, बट चांसेस हैं कि आ सकता है. लेकिन इस फिगर को देख के किसी ने भी घबराना नहीं. पहली बात ये दिक्कत रहती है बच्चों को कि सर ये करंट आया कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था ना करंट. दिख रहा है? यस सर. कहीं पर गिवन है क्वेश्चन में करंट का है? दिख रहा है किसी को? लेकिन आपको पता है सर्किट क्लोज है, जब बॉडी मूव कर रहा है, कंडक्टर मूव कर रहा है, सर्किट क्लोज है और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस क्या होगा? EMF. और क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस क्या भी आएगा? करंट. तो वही करंट आया है और उसी करंट को हमने पुट भी किया है. बच्चे देखो, अगर उसके अंदर अब करंट आ गया, करंट आ गया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है और उसकी वैल्यू क्या होती है? IL × B. करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगती है ना, तो यहाँ पर वो कंबाइंड हो गया सर. तो वही करंट की वैल्यू हमने पहले फोर्स की वैल्यू लिखी टर्मिनल स्पीड के लिए, ये लिखा. अब करंट कहाँ से निकाल ले? वो तो EMF ने बता ही दिया था कैसे निकालना है. EMF निकालो, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा. इसका यहाँ पर बस पुट करिए और कुछ नहीं किया. सिर्फ दो इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक है टर्मिनल स्पीड की बात पता होनी चाहिए, दूसरी बात पता होना चाहिए इंड्यूस्ड करंट की बात. हो जाएगा? Yes, sir. अब किसी को ये तो डाउट नहीं है ना वो करंट कहाँ से आया? भाई क्वेश्चन में तो करंट गिवन नहीं था सर, कहाँ से आया वो करंट? कहाँ से आया वो करंट? इंड्यूस हुआ है. किसके कारण इंड्यूस हुआ है? किस कारण हुआ था? वो क्लोज लूप था ना और मैग्नेटिक फील्ड में था. मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज हो रहा था कि फ्लक्स का चेंज हो रहा है? वो जो कंडक्टर, हाँ कंडक्टर था, वो मूव कर रहा था किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में. क्लियर है सबको ये बात? चलिए फिर तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, इसके ऊपर अभी आएंगे. अब ये क्वेश्चन ट्राई करो. एक 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है जो एक्सटेंड कर रही है कहां से कहां? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ. ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करना. नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. तो पहले तो ये देख लो, ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट कहां हो गया सर? ये वाला पॉइंट है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. और साउथ वेस्ट क्या हो गया? साउथ और West. तो ये पूरी वायर है मेरी, ये जो वायर है ये, इस वायर की बात, और यही ऐसे पड़ी है. समझ में आया सबको? और कितने मीटर लॉन्ग है सर? 10 मीटर. ये वायर है सर, और ये गिर रही है सर, ये गिर रही है कितनी स्पीड से? 5 मीटर 0.5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड.
अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ है पहले तो ये पता होना चाहिए, बताया हुआ है कहाँ होता है, साउथ टू, याद है साउथ, उसके परपेंडिकुलर गिर रही है। अब साउथ टू नॉर्थ आप ऐसे मान लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसा समझो, ये ऐसे पड़ा है हमारे पास, ऐसे ये हमारे पास हो गया, ऐसे ये हो गया नॉर्थ, और मेरे पीछे क्या हो गया साउथ, साउथ ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो ईस्ट गया वेस्ट। वेस्ट अब ये साउथ टू नॉर्थ समझ लो ऐसा हो गया, ऐसा पीछे से आगे, मेरे पीछे से जाकर मेरे आगे से आ जाए तो वो क्या है साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ ये वाला जो पेन की डायरेक्शन है यही क्या है साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ पेन की डायरेक्शन है ये है साउथ टू नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ है, इसके परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो क्या ऐसा कहोगे कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे यस सर बताओ, ये भी तो परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, गिरना किसको कहते हैं, इसको या इसको, नीचे नीचे वाले को। और इसी को अगर मैं ऐसे रख दू, अब साउथ टू नॉर्थ ये हो गई सर, ये वाली लाइन है ना, दिख रहा है मेरे यस पीछे सर साउथ और ये नॉर्थ, अब इसके परपेंडिकुलर क्या है नीचे की तरफ गिरना, इसका मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि बाहर आ रहा है, कहाँ जा रहा है अंदर जा रहा है सर। अंदर अब यहाँ पर जो इस डायग्राम में दिख रहा है वो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ये है ईस्ट, सॉरी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ऐसा दिख रहा है। मैंने तुम्हें कहा था इसको ऐसा मानो, ऐसा मानोगे तो नीचे गिरने वाले को ऐसी चीज मानते हो ना, ये नीचे ऐसे गिर रहा है ऐसे, यस सर ध्यान से सुनो, साउथ टू नॉर्थ है ये वाली लाइन, ये जो पेन पड़ा है मेरा है ना, ये साउथ टू नॉर्थ है ना, ये यस सर इसके परपेंडिकुलर अगर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा सर, नीचे गिरेगा, यहाँ गिर रहा है, यहाँ यहाँ, तो देखते रहना, मैं कह रहा हूँ यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है। अब इसको मैं, इस डायग्राम को हमने अभी ईस्ट, ये यहाँ गिर रहा है, याद रखोगे ना, ये इसके अकॉर्डिंग अभी सबको पता चल रहा है यहाँ गिर रहा है, परपेंडिकुलर तो यही है सर नॉर्थ और साउथ के यहाँ, लेकिन अभी नॉर्थ और साउथ मैंने कैसे लिया, ऐसे आगे और पीछे, आगे और पीछे, यस तब गिर रहा है ये वाली डायरेक्शन, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने फिगर बनाई हुई है डायग्राम में, उसके अंदर नॉर्थ साउथ कहाँ लिया है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तो ध्यान से देखना, ऊपर और नीचे का मतलब ये नॉर्थ जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर देखना हाथ तो नीचे ही जा रहा है मेरा, बॉडी तो यहीं गिर रही है, यहीं गिर रही है, यहीं गिर रही है, यहीं गिर रही है, अब देखो बॉडी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है अंदर की तरफ, कहाँ जा रही है अंदर की तरफ, नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है। बस मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुमने डायग्राम ऐसा बनाया है तो गिरने वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, अंदर की तरफ, अगर डायग्राम ऐसा बनाया है तो गिरने वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नीचे, नीचे की समझ में आ रही है बात। अगर तुम नॉर्थ तरफ साउथ को ले रहे हो कहाँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हो गया साउथ से नॉर्थ, मतलब कौन सी कैप हो गई, जे कैप, कौन सी कैप हो गई, जे कैप, जी गया तुमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ कौन सी कैप है मैग्नेटिक फील्ड की, वाई डायरेक्शन, यानी कौन सी कैप, जे कैप। ये अगर ऐसा लिया है तो तुम्हारे गिरने की डायरेक्शन ये है, ये किसको कहते हो, अंदर की तरफ आने वाले को, माइनस का कौन सा कैप, अंदर की डायरेक्शन को क्या बोलते हो, जेड हाँ माइनस माइनस का जेड, माइनस का। के लेकिन अगर तुम लेते पहले वाली डायरेक्शन कि साउथ पीछे है और नॉर्थ आगे है, तो वो हो गई के कैप, नेगेटिव का के कैप, और फिर गिरने की डायरेक्शन को क्या लेते, नीचे की तरफ, समझ रहे हो सब, यस क्लियर है, तो सर वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम, जैसे हमने देखा है अभी कि अभी हमारा साउथ टू नॉर्थ तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कौन से गैप में जा रहा है, प्लस का जे कैप, साउथ यस से चल के ऐसे जा रहा है प्लस का जे कैप, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, माइनस का, के ठीक है, माइनस का के कैप, तो ये डायरेक्शन ऑफ फॉल हो गया माइनस का के कैप। अब ध्यान से देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ पता है, अब फॉर्मूला देखते हैं, वेलोसिटी गिवन है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, E इज इक्वल टू बी एल, बट ये अब गलत हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये बी एल वी तभी लगता है जब स्पेशल केस हो, और वो स्पेशल केस कब है, जब वेलोसिटी और उसके लेंथ के क्या हो, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, ये जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर है क्या, यहाँ पर देखो नो सर नहीं सर किसी एक एंगल पर है, अभी किसी एक एंगल पर है सर, लेंथ के किसी एक एंगल पर है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सर,
वही बताना है अभी, यही हमेशा वही फॉर्मूला यूज करा करो जो मैं बताऊंगा, v क्रॉस b डॉट l, दिख रहा है ये? Yes. ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, e इज इक्वल टू क्या होता है, v क्रॉस b डॉट l. होता क्या है, जब v और b आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, तो v और b क्या हो जाएगा, v b साइन हो जाता है, तो इसको क्या लिख देते हो, v b l. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसके खास बात और भी बताएंगे लास्ट में, बट यहाँ तक समझ में आया, तुम हमेशा यही फॉर्मूला लगाना और जो तुम्हें गिवन हो उसको वर्ड पुट कर देना. अब देखो v और b के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और l के साथ कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट. फॉर्मूला बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा आप इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला लगाओगे, वी क्रॉस बी क्रॉस बी डॉट एल डॉट एल. समझ में आ रहा, तो अभी तो ध्यान से देख सकते हो v और b. अब जब भी मैंने अभी ये फॉर्मूला क्यों लगवाया, मैं सिंपल फॉर्मूला क्यों नहीं लगवाया, देखो जब भी तुम्हें बहुत सारी डायरेक्शन गिवन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोशिश क्या करो उसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से ही क्या करो, सोल्व करो. क्योंकि अगर और किसी तरीके से सोल्व करोगे तो चांसेस हैं कि क्या हो जाए, मिस्टेक हो. अब देखो अभी देखते हैं, देखो v, v की जगह क्या लिखना है, कौन सा गैप है, कौन सी जगह गिर रहा है सर, डायरेक्शन ऑफ फॉल माइनस का, माइनस के गैप, के गैप, और डायरेक्शन और v की मैग्नीट्यूड क्या है, 5. तो क्या लिख सकता हूँ v की जगह, माइनस का 5 j गैप, माइनस का 5 k गैप, k गैप 5 कौन सा, लेकिन माइनस का k गैप, ये तो हो गई v. क्रॉस b क्या है सर, b कौन सी डायरेक्शन में है, देखो J में, J गैप, और किसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, 0.3 × 10⁻⁴ लेकिन कौन सी गैप है सर, J गैप, J गैप. तो ये तो एक करेक्शन. डॉट करना है इसको किसके साथ, L के साथ. L कहाँ है सर, 5 मीटर पर सेकेंड. पक्का? टेन मीटर. अब लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या गिवन है सर, लेंथ भी तो वेक्टर है, लेकिन क्या है इसकी डायरेक्शन गिवन है क्या क्वेश्चन में? नो सर. इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान. देखो तुम्हें इतना पता है, एल की डायरेक्शन यही है ना, ये रेड वाली जो दिखाई थी. यस सर. इसमें इसमें कौन कौन सी एक्सिस आ रही है, एक तो एक्स एक्सिस भी आ रही है और एक वाई एक्सिस भी आ रही है ना, तो आई कैप भी आ रहा है और जे कैप भी आ रहा है. आई कैप भी आ रहा है और जे कैप भी आ रहा है सर. आई कैप जे कैप, अच्छा ये तो इसका वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी का भी, अगर लेंथ का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ तो वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर तो ये है आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 रूट 2. समझ में आ रही है बात, कैसे निकाल, तो डायरेक्शन की जगह ये पुट कर दो इसका, क्या आया आई कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय रूट 2. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. अब ध्यान से देखना, बस अब तो सोल्व करना है. 5 × 0.3 × 10⁻⁴ को साइड में रखो, माइनस का k कैप क्रॉस j कैप, आई जे के, अगर k को j के साथ करता तो क्या आता, उल्टा चल रहा है, कैसे आता, माइनस का माइनस i कैप, लेकिन माइनस पहले भी था तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्लस आई गैप. क्लियर है सबको ये तो? yes, अब इसको डॉट करना है किसके साथ, किसके साथ करोगे डॉट, 10 आई प्लस जे अपॉन रूट 2, 10 आई, इसको कैसे लिख सकते हो, 10 आई बाय रूट 2 प्लस 10 जे बाय रूट 2. अब डॉट प्रोडक्ट में तो आपको पता है सिर्फ किसको यूज करते हो, आई को आई के साथ. yes, sir. J और J तो क्या ही हो जाता है डॉट, J और I क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा डॉट में तो. yes, sir. 5 × 0.3 × 10⁻⁴ I डॉट I आ जाता है 1, सिर्फ यही लिखेंगे 10 बाय रूट 2, बस J को तो लिखने की जरूरत नहीं है. अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/10, लिखोगे इसको 0.3 को, तो 10 से 10 गया तो क्या हो जाएगा सर, 5 × 3 = 15 / √2 × 10⁻⁴. ये देखो यही लिखा हुआ है सब कुछ, ये देखो
किसी को कोई डाउट? अब जे कैप नहीं आएगा इसमें, आंसर में आ ही नहीं सकता क्योंकि ईएमएफ है, वो वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, हमारा भी नहीं आया। डॉट प्रोडक्ट का भी वेक्टर होता है क्या? नहीं सर। डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो सिर्फ किस में आता है? मैग्नीट्यूड में आता है। भाई इसका आंसर कर दो फटाफट। हमारा आंसर क्या है बच्चों? 15 बाय रूट टू। इसको सोल्व करो, 15 बाय यानी 1.41। फटाफट करो कितना आंसर आएगा लगभग? लगभग लगभग देखो 15 को 1.4 यानी लगभग लगभग 1.5 भी मान लो नीचे, अप्रोक्सीमेट करना है तो 15 बाय 15 तो कर दो आराम, ये आ जाएगा 1 कुछ करके। भाई 15 में 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? लगभग 1 ही आएगा, लेकिन ये 1.5 है ना, तो 10 ऊपर भी चला जाएगा। 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 10 की पावर -3। तो देख लो 1 × 10⁻³ किसके ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। साफ साफ समझ में आ रहा है भाई, अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैंने लिखा 15 और 1.41 को क्या लिख दिया? 1.5 × 10⁻⁴। ये कट जाएगा लेकिन 15 बाय 10, वो 10 डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 10 की पावर -4 तो ये लगभग लगभग किसके इक्वल आ जाएगा? 10 की पावर -3 के। यहाँ पर कुछ है नहीं, यानी 1 × 10⁻³ तो ये ऑप्शन किसके ज्यादा पास है? 1.1। क्लियर है सबको? सबसे ज्यादा जरूरी था सर ई किस क्रॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी क्रॉस बी डॉट एल एल एल। अब ध्यान सुनना, खास बात पता है क्या है इस फॉर्मूले की? ये फॉर्मूला अब एक्चुअल फॉर्मूला है, अब बी एल वी को भूल जाओ। खास बात क्या है, दो इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज पैरेलल हो, कोई भी दो चीज क्या हो पैरेलल हो, ईएमएफ कितना आ जाएगा? जीरो। कोई भी दो चीज पैरेलल हो, कोई भी दो चीज का मतलब चलो V और B पहले बोल देते हैं, V और B आपस में क्या है? पैरेलल। तो आप खुद देखो V क्रॉस B को क्या लिख सकता हूँ? VB साइन थीटा डॉट एल। थीटा क्या हो जाएगा अगर पैरेलल है तो? जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो क्या होता है? जीरो। जीरो चीज ही क्या हो गई? जीरो। समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे ही आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी ट्राई करके आओगे घर से है ना। कोई भी दो चीज आपस में, चाहे वी बी के हो, चाहे बी और एल पैरेलल हो, चाहे बी और एल और वी पैरेलल हो, कोई भी दो चीज पैरेलल हो ना, ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी हर केस में? जीरो। ये तीनों के लिए समझ में आ रहा है ना, कोई भी चीज पैरेलल नहीं होनी चाहिए। हाँ थीटा होगा तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर परपेंडिकुलर हो तीनों चीजें आपस में तो फॉर्मूला है ही क्या? बी एल बी। ये कभी लगेगा जब म्यूचुअली क्या होगा? Perpendicular. के दो केस तुम देख क्या होगे का? B क्रॉस जब B और L पैरेलल हो, और जब V और L पैरेलल हो तब का क्या होगा? क्लियर है? तब E जीरो केस। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप सबको पता है E किसके इक्वल आ जाएगा? B L V। उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, 2019 में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें जब भी ऐसा आ जाए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तुम जे कैप के कैप की फॉर्म में ही सोल्व करना, वरना इसको कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो? एल के कंपोनेंट कर देते हो, एल कोस थीटा और एल साइन थीटा। उसमें क्वेश्चन में दिक्कत बहुत होगी बच्चे, दिक्कत बहुत होगी कैलकुलेशन में, पता नहीं लगेगा कौन सा कहां पर आ देगा। जब तुम पहले से ही डायरेक्शन जे कैप के कैप आई कैप की फॉर्म में लेके चलोगे तो वेक्टर हमारे काम को आसान कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जब पता है V क्रॉस B डॉट L है तो V की वैल्यू लिखो डायरेक्शन के साथ, B की वैल्यू रखो डायरेक्शन के साथ, L की वैल्यू रखो डायरेक्शन के साथ, और V क्रॉस B डॉट L का फॉर्मूला लगा दो, काम ही खत्म हो जाएगा। यस सर। तो ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, दिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार होमवर्क नहीं था, एक क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ पर, दिख रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है, इतना बड़ा सर्किट देख के, दिख रहा है तुम्हें सबको? Yes, sir. लेकिन इसमें कुछ खास बात है नहीं, ये एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है आराम से। आप खुद देखो 1/1 की रेशो 1, 2/2 की रेशो 1। जब दोनों रेशो इक्वल होती है तो कौन सा ब्रिज बनता है?
आसान रहेगा, क्लियर है? करंट निकालना आसान है, तो बस ध्यान रखना चीजें आसान है, बस थोड़ा सा मुश्किल ना रखे, इसलिए होमवर्क में डाला है ये क्वेश्चन। करके आओगे सब ट्राई? अब ये शुरू में एक क्वेश्चन किया था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हिंट देंगे। ये दिख रहा है, ये छोड़ा था हमने, ये पता नहीं मेरे को भी कि भाई एडवांस में आया हुआ है, लगता तो नहीं है एडवांस में आया होगा या 2014 में आया हुआ है, या दोनों में हो सकता है रिपीट भी हो, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ था, ये ऊपर लिखा हुआ था 2020 और नीचे क्या लिखा हुआ था 2014, है ना? तो बाकी देखते हैं, अब इसमें क्या करोगे, अब खुद सोचो, हिंट देते हैं इसका, ट्राई करना इसको। एक स्क्वायर फ्रेम है बच्चे, इसकी साइड कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसके साथ एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आई, दिख रहा है? उसके अंदर करंट है 1 एम्पियर का। लॉन्ग स्ट्रेट मतलब वही इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोज टू द वायर मतलब पहले ये स्क्वायर फ्रेम ऐसे रखा हुआ था, दिख रहा है? ऐसे। यस सर। यहां से फिर इसको दूर ले गए कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। राइट से चला गया, राइट की तरफ चला गया 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी राइट की तरफ है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। आपको पता है इस करंट के कारण यहाँ पर क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। और अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इस लूप को, स्क्वायर लूप को मूव कराऊंगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ के कारण करंट भी बनता है। तुम्हें लेकिन सिर्फ ईएमएफ की वैल्यू पूछनी है, लेकिन कहाँ पर? फ्रॉम द वायर ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसके अंदर, इसके एंड्स पे ईएमएफ का इंड्यूस बताओ, जब ये कितनी दूर है? X की वैल्यू कितनी है जब? 10 सेंटीमीटर। जब X की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तब तुम्हें बताना है कि इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इसके दो एंड्स पर होगा, एक ये एंड मान लो पी एंड और एक एंड मान लो क्यू। वही पहले क्या निकालोगे? ईपी। फिर क्या निकालोगे? ईक्यू। फिर दोनों को क्या कर सकते हैं एक दूसरे से? माइनस कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड, या ईक्यू माइनस ईपी कर देना या ईपी माइनस ईक्यू कर देना। लेकिन इसके अंदर तुम बता भी सकते हो क्या माइनस क्या करोगे। देखो ईएमएफ कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे इस केस में? वी वेलोसिटी से मूव तो कर रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा? बी इज इक्वल टू बी एल वी। वैसे तो होता है वी क्रॉस बी डॉट एल, लेकिन यहाँ पर देखो वी ऐसा है और एल इसके क्या है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है सर, है ना? और वी भी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है सर वायर की वजह से, और ये वेलोसिटी इधर है, तो परपेंडिकुलर। तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू बी एल वी। अब ये लगा दिया सर, अब बी भी आप सबको पता है कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नोट आई अपॉन 2πr, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। लेंथ की वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि लेंथ तो ये तो सेम ही रहेगी ना सर, ये वाली लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो ये तो कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू वही रहेगी दोनों केस में, मैंने बाद में पुट कर लेंगे हम। वी, ये वी क्या करोगे सर? कितना है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर। अब ध्यान से देखना, पहले मैं पी के लिए बात कर लूं तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, 10 और 10 तो ठीक है, इसको ये मीटर पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर है, तो पहले तो यहाँ पर 10 बाय क्या लिख लो? 10 बाय 100। ये तो सही है 10। बी की जगह क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2π। आर क्या होता था? एक्स होगा सर, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर। इसके लिए पी के लिए कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 बाय 100 ऊपर लिख दूंगा। क्लियर है सबको? यस सर। देख लो अच्छे से, निकाल लोगे सब, हाँ या ना? अच्छा, ईक्यू का फॉर्मूला बताओ अब तुम मेरे को। म्यू नॉट आई अपॉन 2π। आर की जगह क्या लिखोगे सर? 20। वेरी गुड, 20। क्यों सर? ये 10 तो है ही, साथ में ये 10 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 बाय 100 है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है? इनटू में एल की जगह तो वही रहेगा सर, 10 बाय 100। वेलोसिटी की जगह भी क्या रहेगा? ये ईपी आ गया, ये ईक्यू आ गया, आप दोनों को बस क्या करना है? माइनस करना। किसी को कोई डाउट? No, sir. और इससे भी अच्छा तरीका क्या है, तुम फॉर्मूला लिखो ईपी का, क्या होता है? बी एल वी, बी एल वी बीपी,
अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है एल और वी तो दोनों केस में क्या है, सेम है, सेम है। ई क्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी क्यू एल क्यू एल पी। अब दोनों को माइनस कर दो, ई पी माइनस ई क्यू क्या आ जाएगा, एल वी तो कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, बीपी माइनस बी क्यू। एल की वैल्यू आपको पता है 10/100, वी की वैल्यू है 10, बीपी आपने निकाला म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इनटू 10/100, राइट। और ये क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई टू पाई 20/100। यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकते हो, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, ये 10 दाया 100, 10 से 10 कट गया, अंदर क्या रह जाएगा बाहर, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई कॉमन ले लो, क्लियर है, देख लो। यस सर। अब 2 पाई आई भी सेम है, सब कुछ सेम है, 2 पाई के साथ 10 भी ले सकते हो चाहो तो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, ऊपर 100 तो ले ही लो कॉमन। यस सर। क्या रह जाएगा, 1/10 - 1/20, क्लियर है सबको, अब निकाल लोगे सब। यस सर। तो कितना सिंपलीफाई कर सकती हो वो आपके ऊपर है बच्चे, कुछ भी नहीं किया और मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर तुम बी क्यू माइनस बी पी करते तो तुम्हारी गलती होती, क्योंकि वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, आंसर नेगेटिव आ जाता, बट मैंने बीपी माइनस बी क्यू यहाँ पर श्योरिटी से लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है बीपी बड़ा है बी क्यू से, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सर एक्स की वैल्यू, क्योंकि सर बीपी इसीलिए बड़ा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट ज्यादा पास आई है क्यू पॉइंट वायर के, सर पी, तो पी, तो पी पॉइंट पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बजाय की क्यू क्यू के, क्योंकि क्यू पॉइंट के लिए डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम कम। और मेरे को पता है यहाँ पर अगर बीपी माइनस बी क्यू करूंगा तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, वरना आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ श्योरिटी से लिख दिया, तुम चाहो तो लिख सकते हो बी क्यू माइनस बी पी, बट तैयार रहना फिर आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि अंदर हो जाता 1/20 - 1/10, 10, क्लियर है सबको, यस सर, यस सर, हो जाएगा म्यू नोट आई इंटू हमारे पास क्या है 1 - 1/2 लिखा है, तो वही वाली बिल्कुल सही चीज करी हुई है, चाहो तो सोल्व भी कर दो आगे। अब म्यू नोट अपॉन 2 पाई क्वेश्चन होमवर्क वो दे रखा है क्या, म्यू की फॉर्म में, म्यू यहाँ पर अगर चेक करना पड़ेगा तुम्हें, म्यू किसकी फॉर्म में दे रखा है ना, म्यू माइक्रो ही है। देखो म्यू नोट को क्या लिख सकते हो, म्यू नोट को 4 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू में है आई, इंटू में क्या है 100, 1/10 - 1/20 करोगे तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा 20, 1 माइनस क्या करोगे 2 - 1 करोगे ना, क्योंकि 10 है, यस सर, 2 पाई से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा अंदर 200 × 10⁻⁷ - 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1/10, इसमें कर भी रखा है तुम भी कर दो फिर, 10 × 10⁻⁷ ये कितना आएगा, 10⁻⁶ को ही तुम लिखते हो माइक्रो, तो माइक्रो वोल्ट है ना, वन, यस सर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी, क्लियर है सबको कैसे किया है, यस सर। इसी क्वेश्चन को तुम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, वो भी है बट वो मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब मुश्किल तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, करना क्या कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक्स लेंथ की वायर काट के ऐसे करना पड़ेगा, बट उसको करने की जरूरत नहीं है जब क्वेश्चन हमारा आसानी से हो रहा है तो। किसी को कोई डाउट, नो सर। अच्छा एक बात है सर, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला ऊपर वाली वायर्स पे, ऊपर वाले पर जो एंड है, कौन सा एंड, ये वाला एंड, ये एंड और ये एंड, इसके बीच में कुछ क्यों नहीं बात करी आपने, क्योंकि ये लाइन वेलोसिटी के क्या थी सर, परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, पैरेलल थी, जब पैरेलल होगी तो ईएमएफ क्या हो जाएगा इधर, जीरो, सिर्फ इन्हीं एंड्स की क्रॉस चेक कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन में पूछ सकते, अभी हमने बताया ना कोई भी दो चीज अगर पैरेलल है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा,
होमवर्क मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आज के जो भी थे, इनको रिवाइज जरूर करना, पूरे चांसेस है इनका रिपीट हो जाना। क्लियर है? चलो फिर समरी करते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। टाइम तो बहुत हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, सॉरी ईएमएफ का फॉर्मूला, जब तीनों नॉर्मल फॉर्मूला वी वेलोसिटी से अगर कोई कंडक्टर मूव करे तो क्या है, वी क्रॉस वी डॉट डॉट। अगर इनमें से एक भी चीज क्या हो, दो चीजें, टू चीजें, दो चीजें अगर पैरेलल हो, ईएमएफ क्या हो जाएगा। दूसरी बात, अगर म्यूचुअली क्या हो तीनों, परपेंडिकुलर, तो ये और अगर कोई रोड ओमेगा वेलोसिटी से मूव करे तो ईएमएफ क्या हो जाता था, ओमेगा। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, चल लेंगे, कर सकते हैं अब आराम से। यस सर। कोई क्वेश्चन रह ना जाए बस देख लेना, अगर कोई रह भी गया गलती से तो देख लेना, ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से ये अब तो क्वेश्चन है ही तुम्हारे, ट्राई करके आना बच्चे इनको, ठीक है? यस सर। चलो ओके बच्चे, थैंक यू। और होमवर्क कर लेना भाई, जरूर कर लेना होमवर्क, आज नहीं तो कल कर लेना पूरा, कल नहीं तो परसों कर लेना, लेकिन इसको कर लेना अब, ठीक है? यस सर। चलो ओके, बाय बाय सर, थैंक यू, थैंक यू। और उन दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को बोलना जो भी नहीं आए, सानिया, प्रीशु, अवंतिका, उनको बोलना आई थी सर। सानिया नहीं आई थी, आई थी सर। शिवानी, ठीक है, उनको बोलना जरूर, अगर किसी से बात होती, किसी की बात होती है तो, ठीक है?